का गोरस माँ का लस्सी रोटी खालू खूब फुल की आओ। राधे राधे, वेलकम राधे राधे, वेलकम बैक इन माय वृंदावन टूर डे 3। और आज हम लोग अभी जा रहे हैं गोकुल धाम, जहां कान्हा जी का 2.5 साल का बचपन बीता था यशोदा मैया और नंद बाबा के साथ। और आप सबको भी अपने साथ दर्शन कराएंगे। और मेरे साथ मेरा कान्हा है, कान्हा। अभी हम पहुंच गए हैं पुराने वाले गोकुल नंद बाबा के घर, 84 खंबा मंदिर। और वो देखिए, वो ऊपर मंदिर है। तो अभी मैं चलती हूँ, आपको दर्शन कराती हूँ। तो ये है नंद भवन 84 खंभा मंदिर। ये रास्ता होके जाता है, यहाँ से ही मेन एंट्रेंस है। तो यहाँ से मैं आपको लेके चलती हूँ। बोलते हैं यहाँ के लोग कि जो पुराना गोकुल था, यहाँ पे दो गोकुल बने हुए हैं, एक नया गोकुल एक पुराना गोकुल। तो हम लोग पुराने वाले गोकुल पे आए हैं। और यहाँ ये मथुरा से अबाउट 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, तो आधा घंटा या 40 मिनट लगता मैक्सिमम, आप यहाँ आराम से पहुँच सकते हैं। रोड बहुत अच्छी है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं गोकुल धाम की गलियों से होते हुए 84 खंभा मंदिर तक का सफ़र। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ के लोग बोलते हैं जो 84 खंभा मंदिर है, ये 5000 साल पुराना है। और ये एक्चुअल वही बताते हैं कि वही गांव, वही 84 खंभा मंदिर नंद बाबा का पहला घर था, भवन, जब वासुदेव जी ने कृष्ण जी को यहाँ पे ला करके छोड़ा था। तो अभी हम पहुंच चुके हैं 84 खंभा मंदिर, और यहाँ पे कुछ प्रवचन चल रहा था, स्टोरी बताई जा रही थी कान्हा जी के ही बारे में, आपको सुनाती हूँ मैं। तो यहाँ अभी 84 खंभा मंदिर के अंदर अब मैं आपको लेके चलती हूँ। इस मंदिर में पूरे 84 खंभे बने हैं, यानी 84 पिलर्स हैं, जिसकी वजह से इसका नाम 84 खंभा मंदिर पड़ा है। यहाँ पे एक मेन मंदिर है जहाँ पे आपको बलदेव जी यानी बलराम जी, कृष्ण जी और यशोदा जी और नंद बाबा का मूर्ति मिलेगा सामने। और यहाँ पे जो कान्हा जी हैं वो बाल स्वरूप में हैं, क्योंकि बोलते हैं यहाँ पे कान्हा जी ने अपने जीवन के 2.5 साल बिताए थे, तो जो कि बाल स्वरूप थे। तो यहाँ पे उनका मंदिर भी जो है वो बाल लड्डू गोपाल के रूप में ही है। यहाँ के जो खंभे हैं बहुत ही चिकने हैं, क्योंकि बोलते हैं जब कान्हा जी माखन खा के यशोदा मैया की मटकी से लेके जाते थे, तो खंभों पे पोंछते हुए जाते थे, क्योंकि उस जमाने पर कर्टेंस वगैरह तो थे नहीं। तो इसी वजह से आज भी वो खंभे बहुत ही चिकने हैं। तो यहाँ से मैं जब मंदिर 84 खंभा मेन मंदिर से थोड़ा सा और आंगन से होते हुए बढ़ी तो पूरे प्रांगण में यहाँ पे गर्भगृह है। ये गर्भगृह वो है जहाँ पे यशोदा जी ने योग माया देवी जो थी जिनको जन्म दिया था, और यहीं पे फिर वो बच्चा जो है कान्हा जी और योग माया जी बदले गए थे आपस में। तो ये वो गर्भगृह है। तो अभी यहाँ ग्रुप में अंदर जाने को मिलता है दर्शन करने को, एक झूला उसको झुलाना रहता है। तो ये मैं एक बार आपको पूरा मंदिर का प्रांगण दिखा देती हूँ, जहाँ पे 84 खंभा मंदिर, गर्भगृह मंदिर, शिव जी का ये छोटा सा मंदिर है, सामने नंदी जी हैं। और ये सब दर्शन करने के बाद अच्छे से यहाँ से मेन एंट्रेंस है, जब आप सीढ़ियाँ चढ़ के आएंगे तो एक और ये सेकेंड एंट्री गेट है या जो भी है, यहाँ से मैं सीढ़ियाँ चढ़ के उतर के आई हूँ, तो ये इजी पड़ा था मुझे। तो अभी हम लोग गोकुल की गलियों से होते हुए जा रहे हैं, जहाँ पे कान्हा जी बचपन में यहाँ हर एक गली से होते हुए गुजरे रहे होंगे। तो हम लोग भी इसी गलियों से गुजर रहे हैं। बोल रहे गोकुल का गोरस माँ का लस्सी रोटी खा लो, गोकुल की आओ। भैया एक चीनी का अभी दे रहे। तो ये है गोकुल की लस्सी, कान्हा जी के घर की लस्सी। तो जब थोड़ा और आगे बढ़े तो यहाँ पे पूरे गोकुल की जितनी गलियाँ हैं मंदिर तक जाने के लिए, हर जगह आपको दोनों साइड में ऐसे ही दुकानें मिल रही थी छोटी छोटी, जहाँ पे खिलौने थे छोटे मोटे, या फिर सारी पूजा की सामग्री के सामान थे, चाहे वो चंदन की लकड़ी हो, लड्डू गोपाल हो, उनकी फ़ोटो फ्रेम हो, या उनके वस्त्र हो। तो मेरी मम्मी ने भी कुछ शॉपिंग की है, हम लोगों ने भी की, हाँ यहाँ से कुछ यादगार लेके चले। कान्हा जी की फ़ोटो हम लोगों ने बहुत सारी ली है यहाँ से, गोकुल धाम से, 84 खंभा मंदिर से। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम लोगों का नंदगांव में दर्शन हो गया बहुत अच्छे से, 84 खंभा गोकुल की गलियाँ। तो
अभी हम लोग यहाँ से चल रहे हैं आगे, देखते हैं कहाँ जाना है, किस मंदिर जाना है। रमन रेती तो अभी ओपन नहीं है, वो 4 बजे होगा, अभी बज रहे हैं 2:30, तो अभी तो काफी टाइम है और गर्मी भी बहुत हो रही है। अकेले हो तो ठीक है, पर बच्चा हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ का दर्शन अच्छे से हो गया। तो ये रमन रेती मंदिर के ठीक सामने आता है ये डियर पार्क, जहाँ पे ढेर सारे डियर्स है, आप देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी में है। ये जो डिया पार्क है, इसमें वो जो मेन मृग बोलते हैं कस्तूरी मृग, ये वही वाले डियर हैं यहाँ पे, और इनमें से किसी के भी पास कस्तूरी होगी, जो कहानियाँ आपने सुनी होंगी। और यहाँ पे कुछ बर्ड्स भी हैं, डक है, ये इमू है, और मेरे हस्बैंड तो उसको ऑस्ट्रिच समझ रहे थे, बट ये इमू बर्ड है। मेरा बेटा भी देख के यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया उसने, जो एनिमल्स देख रहे थे डियर और जितने भी बर्ड्स थे बड़े बड़े। और यहाँ बहुत सी क्वान्टिटी में हिरन थे, मतलब मज़ा आ गया। और ना ये यहाँ पे क्या, ऐसे स्ट्रीट साइड में यहाँ पे धान मिलते हैं, धान के लावे और कुछ बिस्किट वगैरह, वो आप इससे खिला सकते हैं इन लोगों को, वो 10-10 रुपए कटोरी देते हैं, छोटी सी कटोरी। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, और जब भी आप हाथ बढ़ाते हो खिलाने के लिए ना, पूरी ग्रुप आ जाती है खाने के लिए, तो एकदम बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है हिरन लोगों की साइड में, तो देखने में बहुत मज़ा आता है। आप उसे टच भी कर सकते हो अच्छे से, और बहुत ही साफ सुथरे हैं, और बहुत ही मज़ा आया। जितना 84 खंभा मंदिर में दर्शन करके अच्छा लगा, उतना ही अच्छा मुझे और मेरी बेटी को स्पेशली यहाँ पे लगा, इन हिरन लोगों के साथ, इनको खिलाने में, देखने में, इन लोगों को। कितने सारे इसमें हम भी हैं। हाँ, मम्मी लोग इसके लिए लंच लेके आई। तो ये तो था गोकुल धाम, क्योंकि बाकी सारी मंदिरें अभी बंद हैं, हम लोगों को वापस भी जाना, लेट हो रहा है, तो हम लोग वापस निकल रहे हैं। गाइस, ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को करें प्लीज़ लाइक शेयर, एंड चैनल को कर ले सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।